दोस्तों ये आईटी का बॉक्स है, 12 टूबलर आईटी ओपन, और आप देख सकते हैं। मैं आपको इनका रेट बाद में बताऊंगा। और एक ये है 100, जो आपने देखा हो ना ई रिक्शा की जो बैटरी बनती है वो इसी साइज में बनती है 100 में। और ये है जंबो के, ये है 200 वाला है, आप देख सकते हो ये 200 वाला है, स्टैंडर्ड में जाता है। और जो जंबो का होता है वो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, वो भी बक्सा है इनके पास आने वाले हैं, ठीक है। और ये हेडोमीटर है, मैं आपके पास इनके पास क्या क्या चीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेडोमीटर है ये, जिसे बैटरी वगैरह चेक होती है, ग्रेविटी वगैरह। और हम अंदर चलते हैं के पास, ये आपको पंचिंग डाई मिल जाएगी, देख सकते हैं। और ये गुल्ली डाई है और कपलिंग डाई वगैरह है, ये बैटरी की जो ओपन बैटरी बनती है उनकी है। और ये नट बोल्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, पीस रेट के हिसाब से नट बोल्ट मिलते हैं, अगर आप चाहो तो पीस रेट के हिसाब से ले सकते हैं, पैकेट के हिसाब से। ये इस तरह का इनका पैकेट बन जाता है, करीब ये 100 पीस के आसपास का पैकेट होगा नट बोल्ट का। हाँ, और ट्रे वगैरह भी आप ले सकते हो, और ये चिमटी वगैरह भी है, देख सकते हो चिमटी वगैरह है, ये हार्ड चिमटी जो होती हैं, और छोटी वाली चिमटी भी है, ये छोटी वाली चिमटियाँ हैं, ये मीडियम साइज की चिमटियाँ हैं। और ये होता है जब बैटरी में एसिड फालतू हो जाता है ना पंप, वो होता है ये बैटरी के निकालने के लिए। और ये चार्जर आपने कब देखा होगा साइड पे, कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं बैटरी जो है डाउन हो जाती है, तो उसको चार्ज करने के लिए होता है, बैटरी को उठाने के लिए होता है। ये कितने का होगा वैसे? ये कम से कम 800 से 900 रुपये के आसपास ही पड़ेगा, और एक साल की इसकी गारंटी होती है। तो ये फ्यूज लगा हुआ है एक, ये बैटरी के कैप है और वाटर लेवल जिसको बोलते हैं, और जैसे बैटरी में पानी वानी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाए, तो ये इंडिकेटर कर देते हैं कि भाई बैटरी में पानी कम है, ये उसके है। यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देखिए, ये बैटरी टेस्टर है, जैसे साइड पर जाते हैं बैटरी चेक करने, कस्टमर कोई को कह देता है ना कि भाई साहब हम जो शॉप पे नहीं जाने देंगे, तो हम यहीं पे चेक कर लो, तो उसके लिए ये टेस्टर है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो इसमें सारी फीचर्स लिखे हुए हैं, डेड बैटरी बैड जो होती है, और वीक ओके सब आपको दिखाएगा, सारे फंक्शन है। और ये देखो कलर के हिसाब से भी ये बता रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। और ये कितने तक पड़ जाएगा? ये 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं और भी चीज़ आपको दिखाता हूँ अभी। ये सेपरेटर है, ये जंबो सेपरेटर है, और इसका मैं आपको प्राइस बताऊंगा अभी। और भी जो आईटी का सेपरेटर है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। और ये आईटी का सेपरेटर है, 12 टूबलर, इसका भी मैं आपको रेट बताने वाला हूँ। और एक ये भी सेपरेटर है, ये जंबो का है स्टैंडर्ड, और आईटी का भी होता है, तो आईटी का इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये इसको लिफाफा वाला भी बोलते हैं। देखिए सेपरेटर बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, अगर आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, ये थोड़ी इसकी लाइफ भी थोड़ी अच्छी होती है, आप इसको भी लगा सकते हो। तो इसका प्राइस रेट भी हम आपको कमेंट में बता देंगे, क्योंकि रेट घटते बढ़ते रहते हैं, बस वही चीज़ है, जब आप पूछोगे तभी हम उसका रेट बता देंगे हम आपको। फिलहाल ये अभी का जो रेट है 7 रुपये पीस का है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको 7 रुपये का एक पीस पड़ेगा। डब्बे में लेंगे, क्वांटिटी लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है, ये अभी का रेट है, बाकी अप डाउन होता है रेट, तो उसी टाइम आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ये टर्मिनल है,
नट तो मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये पोल, हाँ जो आपने देखा गाड़ी में जो बैटरी लगती है उसमें ये पोल लगते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस दोनों हैं। पोल बनाने वाली डाई होती है ये, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये नट बोल्ट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये मल्टीमीटर है जो बैटरी टेस्टिंग होती है, ये काफ़ी चीज़ में काम आता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर मीटर रखे हुए हैं या मीटर मिलने वाले हैं, और जो क्ले मीटर होते हैं देखो ये क्ले मीटर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मल्टीमीटर अलग अलग क्वालिटी के हैं, ये देखिए ये भी अलग क्वालिटी का मल्टीमीटर है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। और ये बड़ा टेस्टर है, मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये डबल बैटरी का चार्जर है, A1 कंपनी का है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं लगे हुए हैं, सब सारा सामान लगा हुआ है। शीशे की वजह से थोड़ा सा फ्लैक पड़ रहा है। ये मैंने आपको दिखाया था डाई है, ये डाई है जो लोकल बैटरी बनती है ना, हाँ हाथ से बनती है वो वाली डाई है, आप देख सकते हो। आपको ये यहाँ पे बैटरी की सारी चीज़ मिलने वाली है, विदाउट प्लेट, बैटरी के प्लेट नहीं मिलेगी, बट बैटरी का सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। ये वायर है जो बड़ी वायर होती है जो गाड़ी स्टार्टिंग में काम आती है, और ये ट्रॉली है बैटरी की, आप देख सकते हैं IT की ट्रॉली है, डबल बैटरी की ट्रॉली है, सेपरेटर वगैरह है, यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे आओगे तो विदाउट प्लेट, प्लेट नहीं मिलेगी बट सब चीज़ आपको मिल जाएगी। ये आप ये इनका ये विजिटिंग कार्ड है एक तरह का, इसमें क्या क्या इनके पास आइटम हैं वो सब चीज़ आपको इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको देखकर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। बैटरी का सब सामान यहाँ पे मिलेगा, सुई से लेकर तक सब मिलेगा। ये हाइडोमीटर है, ये बड़े साइज का हाइडोमीटर है, फुल साइज का ओरिजिनल हाइडोमीटर है, इसकी जो ग्रेविटी होती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और ये आपने इसका नाम तो सुना होगा, आजकल ज़्यादा फेमस चल रहा है हाइडोमीटर, ये छोटे वाला है, वैसे ये भी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी जो है वो ये है, उसके बाद ये क्वालिटी आती है, लेकिन इसके बाद जो क्वालिटी आती है वो बेकार है, वो तो नहीं कामयाब है, उसको तो ना लो तो बढ़िया ही है। ये दो क्वालिटी के अच्छे हाइडोमीटर हैं, आप ये भी ले सकते हैं।